आज झारखंड दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रांची में रोड शो करेंगे अमित शाह 5 बजे से। चुटिया इलाके में रोड शो के सभी बड़े नेता रहेंगे साथ। तो बड़ी खबर, आज झारखंड दौरे पर रांची में रोड शो करेंगे अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची के चुटिया में रोड शो करेंगे शाम 5 बजे से। चुटिया इलाके में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो है। तो हमारे साथ संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष बताइए, आज एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की मुसीबतों का दौर शुरू हुआ है आज से, यानी सवाल जवाब शुरू होगा आलमगीर आलम से, वहीं भारतीय जनता पार्टी या कहिए एनडीए गठबंधन की बड़ी बिसात बिछेगी आज, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी पूरी चक्रव्यूह रची हुई है कि 14 सीट जो झारखंड में है वो बीजेपी के पाले में आ जाए। इसी के चक्रव्यूह में आप देखते होंगे लगातार अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार झारखंड के दौरे पर हैं। आज अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर हैं। आज तो चुटिया में संजय सेठ जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, सांसद वर्तमान में सांसद भी हैं, उनके पक्ष में चुटिया में रोड शो करेंगे 5 बजे। और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि जो स्थिति है कि लगभग जो आस पास के जो विधान लोकसभा है उनके नेताओं से मिलकर रणनीति बनाएंगे कि आखिर यह 14 के 14 सीट जो बीजेपी के खाते में जाए। क्योंकि आज तो एक ओर जहां बीजेपी के बड़े नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर हैं, और दूसरी ओर आलमगीर आलम से लंबी पूछताछ ईडिया कड़ाई से पूछताछ करेगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मने दोनों हाथ में घी का लड्डू है। और कल जो अमित शाह का दौरा है, लगभग बोकारो में एक सभा को संबोधित करेंगे, जो प्रत्याशी हैं डुल्लू महतो उनके पक्ष में प्रचार करेंगे, तो जनसभा को बोकारो में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब देखना होगा कि अमित शाह का दौरे से रांची में कितना असर पड़ता है। संजय सेठ के वोटरों को, जो रांची के लोकसभा क्षेत्र के वोटरों को कितना अमित शाह लुभा पाते हैं, और 5 बजे भीड़ जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, कई आईपीएस और कई डीएसपी और कई पुलिसकर्मी को नियुक्त की गई है, क्योंकि गृह मंत्री आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है। तो सुरक्षा के मानकों पर भी कल भी डीजीपी से कशिश न्यूज से जब बात उन्होंने किया तो कहें डीजीपी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार का साफ कहना है कि देखिए, प्रोटोकॉल का ख्याल और सुरक्षा का मानकों, किसी प्रकार का आचार संहिता का उल्लंघन न हो, उसको ख्याल रखते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया गया है। और जो खाका तैयार में जो स्पष्ट स्थिति है कि किसी प्रकार का सुरक्षा में चूक न हो, क्योंकि चुटिया एक जो इलाका है बहुत संकीर्ण गली है, तो उसको सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कई अधिकारी जी संतोष, तो हम ये कह सकते हैं संतोष कि जहां इंडिया गठबंधन की मुसीबतें बढ़ रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन अपनी तरफ से जबरदस्त चालें चल रहा है। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होने वाला है, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने वाले हैं, तो कैसा होगा नजारा ये हम देखेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।